वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 8, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सबसे पहले हमको वो समझने की जरूरत है। तो जैसे कि आपने चैप्टर 6 और 7 में ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करी कि ट्राइंगल किस तरीके से होते हैं, उनका कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से डिफाइन की जाती है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का क्या मतलब है, उसी तरीके से इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में सारी चीजें देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल आते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात ऐसी है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आगे चल के आप के बहुत काम आने वाला है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल अच्छे से समझ लोगे तो आपको ज्योमेट्री का जो बेस है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इसीलिए ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे भी बहुत काम आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कहते कैसे हैं और वो बनते कैसे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फिगर क्वाड्रिलेटरल है और कौन सा फिगर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो नाम में ही आपको दिख रहा होगा को माने एक साथ और लीनियर माने एक लाइन वाले, तो ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर कौन से हो गए, तो जो एक ही लाइन पे लाए ना करें। फॉर एग्जांपल ये जो तीन पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर है। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। ये किसकी बात हो गई, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से ट्राइंगल बनता है तो उसी तरीके से हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट चाहिए होंगे, चार पॉइंट चाहिए होंगे। और वो चार पॉइंट किस तरीके से होने चाहिए, तो वो चार पॉइंट जो है वो उसने यहाँ पे हमको बता रखा है। आप देख सकते हो कि इफ थ्री आउट ऑफ फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर वी गेट अ ट्राइंगल। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दी कि ट्राइंगल कैसे बनता है। एंड इफ नो थ्री पॉइंट्स ऑफ फोर आर कोलिनियर वी ऑब्टेन अ क्लोज्ड फिगर विद फोर साइड्स। यानी कि अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो उसके लिए आपको तीन पॉइंट ऐसे चाहिए जो कि नॉन कोलिनियर हो, और दो पॉइंट कोलिनियर तो हमेशा होते ही हैं तो उनकी बात नहीं कर रहा। यानी कि चार पॉइंट होने चाहिए अपने पास, तब अपने पास जाके क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इस तरीके से चार पॉइंट आ गए, इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक क्या बन चुका है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है साफ साफ कि क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से दिखने वाला है, यानी कि ट्राइंगल में अगर तीन साइड होती थी, थ्री साइड्स हैं अगर, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड दिख गई हमको, फोर साइड्स दिख गई। तो ये क्वाड्रिलेटरल का बेसिक दिखने का तरीका हो गया। और इसी क्वाड्रिलेटरल में हम अपोजिट पॉइंट्स, यानी कि अपोजिट पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो अगर हम ये ए की बात करें तो ए के अपोजिट कौन होगा, तो ए के अपोजिट सी होगा उसके सामने। और बी की बात करें तो बी के अपोजिट कौन होगा, डी। तो अगर हम अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, जैसे कि हमने ए से सी को ज्वाइन कर दिया और इसी तरीके से हम बी से डी को ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बन जाएंगे, तो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमको क्या मिल जाएगा। अगर हमने अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन किया तो ए से सी की एक लाइन आई, और हमने ज्वाइन किसको किया, बी से डी को, तो वो भी एक लाइन आई। और ये दोनों लाइन क्या कहलाती हैं, दीज बोथ लाइंस आर कॉल्ड डायगोनल्स। तो ये क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, जो कि अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आते हैं। तो ये मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर समझा दिया है, जो कि उसने पूरा यहाँ पे ये जो लाइनों में समझा रखा है आप खुद से पढ़ सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो जिस तरीके से ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, अब हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है। तो अब आप देख सकते हो कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये चीज आपको दिख रही होगी क्योंकि उसमें क्या है, चार साइड है। बट हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का ए से सी को ज्वाइन कर दिया, जिससे कि क्या होगा, एक डायगोनल बन गया ए सी। और उस डायगोनल ने क्या किया कि इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट और एक नीचे वाला सेकंड। तो अब आप देख सकते हो कि इससे क्या हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी एक अपने पास आ चुका है और एक दूसरा क्या आ चुका है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए डी सी की वजह से हम लिख सकते हैं कि एंगल डी
प्लस एंगल डी सी ए, जो कि कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी, जो कि कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। अगर हम इन तीनों एंगल की बात करें तो ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी तरीके से हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर लेते हैं, तो ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल ये वाले की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये कितना हो गया बी सी ए, तो एंगल बी सी ए प्लस ये वाले की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, और ये तीनों एंगल का सम भी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अच्छा अगर ये बात है तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, तो राइट हैंड पे क्या हो जाएगा 180 प्लस 180, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब एंगल बी तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा और एंगल डी भी ऐसे का ऐसा रहेगा। अब एक चीज नोटिस करो कि डी सी ए, जो कि कौन सा एंगल है, डी सी ए ये वाला एंगल है, और बी सी ए, बी सी ए कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो आप, कि ये जो पूरा एंगल है वो क्या हो जाएगा, दोनों एंगल अगर ऐड हो गए तो ये पूरा एंगल बना वो कि जो कि क्या होगा एंगल सी। और सेम तरीके से अगर हम बात करें सी ए डी, सी ए डी कौन सा एंगल है, सी ए डी ये वाला एंगल है, और बी ए सी की बात करें तो वो कौन सा है, ये वाला एंगल है। इन दोनों एंगल को अगर ऐड करें तो ये पूरा एंगल अपने पास आ चुका है, और ये पूरा एंगल कौन सा है, एंगल ए। अगर ये पूरा एंगल आ चुका है तो इस इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट एंगल ए प्लस एंगल ए। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये चारों क्या है, ये चारों ही तो इंटीरियर एंगल है किसके, क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी डी, और उनका सम कितना आ रहा है 360 डिग्री। चीज समझ में आ गई कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो आज के बाद बस ये याद रखना है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है तो उसके अंदर के चारों एंगल का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमंस यानी कि इंसान, तो इंसान जो है वो कई तरीके का हो सकता है, लंबा और छोटा हो सकता है कोई इंसान, कोई इंसान पतला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है। तो कुल मिला के ये सब है तो कौन, इंसान ही है ना पर एट द एंड। तो अब उनकी स्पेशलिटी वो कुछ भी हो कि वो गोरा है या काला है, वो उनकी स्पेशलिटी है, ठीक है, वो लंबा या छोटा है वो उसकी स्पेशलिटी है, पर वो एट द एंड है कौन, इंसान है यानी कि ह्यूमन है। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है सारे क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स है। अब इनकी किसी की, इनकी हर किसी की कुछ ना कुछ खासियत होगी। खासियत क्या हो सकती है, जैसे कि तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये इसकी खासियत हो गई, और इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये इसलिए क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये क्या है, इसकी खासियत है। अब यहाँ पे आप बात करें स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होगा कि चारों साइड बराबर हो जाएंगी और ये 90 डिग्री का होगा तो ये इसकी खासियत है। काइट में क्या होता है, ये क्या है, डायमंड शेप का जो है, इसमें क्या है कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है तो ये इसकी खासियत है। बट एट द एंड ये सारे मिला के है तो क्या, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, एक जनरल टर्म हुई, क्या हुई, जनरल टर्म। मतलब कि जैसे कि हम बात करते हैं कि काला आदमी है, गोरा आदमी है, कैसा भी है पर वो इंसान है, और जो इंसान में खासियत होती है कि दो हाथ दो पैर, तो वो काले पे भी होंगी आदमी पे और वो गोरे आदमी पे भी होंगी। तो हम वही बात कर रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं कि ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी थी क्या थी, कि एंगल सम कितना था, एंगल सम कितना आ रहा था 360 डिग्री, तो वो 360 डिग्री जो था वो इन सभी का होगा ना, क्योंकि एट द एंड ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। बट इनकी खुद की जो स्पेशलिटी है वो इनको क्या बनाती है, अलग बनाती है। तो अब हमको पढ़ना है कि इनमें ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है और इनकी वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो हमको नई देखने को मिलेंगी। अब हम वो पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से फिगर में क्या खासियत है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कि जो सी डी है, ये जो सी डी है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो फर्स्ट फिगर में क्या खासियत हो गई कि ए बी
इज पैरेलल टू सीडी, बस यही खासियत है। और ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही, तो क्वाड्रिलेटरल की जो खासियत होती थी क्या कि चार साइड होंगी और एंगल सम 360 होगा, वो तो इसमें भी है। बट इसमें नया फीचर क्या है, नई स्पेशलिटी क्या है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल है। तो ऐसे फिगर जिसमें वन पेयर ऑफ साइड क्या हो, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे फिगर जिसमें एक पेयर ऑफ साइड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उनको क्या बोला जाएगा, ट्रेपेजियम। अब इसमें एक चीज और बताने लायक क्या है कि मैंने यहां पे क्या बोला, वन पेयर, तो ट्रेपेजियम होने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि कोई भी एक पेयर ऑफ साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अब मान लो कहीं पे अगर दो पेयर की बात होती है, तो दो पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल हैं तो क्या वो ट्रेपेजियम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो हमको यहां पे ध्यान देना है, यहां पे क्या ध्यान देना है कि हमने क्या बोला था कि एक होना चाहिए, दो हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, हमको देखना है कि कोई फिगर ट्रेपेजियम है या नहीं है, तो उसके लिए बस क्या देखना पड़ेगा कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी अगर होती है तो ठीक, ना होती है तो ठीक। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तो ट्रेपेजियम क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड कैसा हो, पैरेलल हो। अब हम बात करते हैं सेकंड फिगर की। तो सेकंड फिगर में आप देख सकते हो कि ये भी पैरेलल है सामने वाली साइड के और ये भी पैरेलल है, यानी कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एस आर के, एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। ऐसे फिगर जिसमें दोनों अपोजिट साइड्स कैसी हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसे फिगर को क्या बोला जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हो गई क्या कि आमने सामने की साइड जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन समझ में आ गई है, तो आपको दिख रहा होगा कि फिगर सेकंड भी पैरेललोग्राम है, फिगर थर्ड भी पैरेललोग्राम है, फिगर फोर्थ भी पैरेललोग्राम है और फिगर फिफ्थ भी पैरेललोग्राम है। ये चारों फिगर किसके एग्जाम्पल है, पैरेललोग्राम के एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इनकी सारी साइड जो है आमने सामने वाली वो एक दूसरे के कैसी है, पैरेलल है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों पैरेललोग्राम है, तो इनमें आपस में क्या क्या अलग बातें हैं और क्या क्या कॉमन है वो हम देख लेते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो वही वाली बात है कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो तो इनमें लगेंगी ही लगेंगी, पर इनकी खुद की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको मालूम ही होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो साइड जो है देखो, अपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो पैरेललोग्राम बोल दिया तो वो तो ऑब्वियस सी बात हो ही गई है। बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल, यानी कि वो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ये हमको रेक्टेंगल में एक नई खासियत देखने को मिली है जो कि पैरेललोग्राम से अलग है, इसलिए हम उसको अलग नाम दे रहे हैं कि वो रेक्टेंगल है। और एक और क्या खासियत है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि सारे एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये किसकी खासियत है, रेक्टेंगल की खासियत है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बाद फोर्थ फिगर जो कि क्या है, रोम्बस। रोम्बस में क्या खास बात है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही है क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं कि पैरेलल है। और दूसरी बात, अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल है और इसमें बगल वाली साइड्स जो कि एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ये चारों साइड्स कैसी हैं आप देख सकते हो, बराबर है। तो इसमें एक खासियत क्या हो गई कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या खासियत हुई कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। और फिफ्थ में क्या बोलेंगे हम कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल हो जाए और एंगल भी कितने का हो जाए, 90 डिग्री का, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या बोलेंगे कि ऑल
फोर साइड्स इक्वल एंड एंड एंगल्स एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और यहां से आपको एक बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है, क्योंकि देखो इसकी भी ये भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर की भी चार साइड्स इक्वल है और रोम्बस की भी चार साइड्स इक्वल है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो रोम्बस होता है उसका एंगल जो होता है वो कितने का भी हो सकता है, बट जो स्क्वायर होता है उसका एंगल कितने का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि चार साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो हम उसको रोम्बस मानेंगे क्योंकि 90 डिग्री की उसने बात ही नहीं करी है। तो 90 डिग्री की अगर बात नहीं करी है तो हम 90 डिग्री उसको मान नहीं सकते। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फिगर की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ फिगर की। जो सिक्स्थ फिगर है वो आपको दिख रहा होगा कि इसमें साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो पर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो AD है वो किसके बराबर दी गई है, DC के बराबर, और AB जो है वो किसके बराबर दी गई, BC के बराबर। और ये जो साइड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि एक दूसरे की क्या है, पड़ोसी है। तो ऐसी साइड्स को क्या बोला जाता है, एडजेसेंट साइड्स। आमने सामने वाली को क्या बोला जाएगा, अपोजिट, और एक दूसरे से अगल बगल वाली को क्या बोला जाता है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड्स अगर बराबर होती हैं, मतलब वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बराबर है और एक दूसरा वाला, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ऐसे फिगर को क्या बोला जाएगा, इस फिगर को बोला जाता है काइट। तो जो काइट है वो क्वाड्रिलेटरल का तो एग्जाम्पल है, बट ये एक पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है। अब हम जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कौन सी चीज को क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या देखा कि चार साइड्स होती है और एंगल सम कितना होता है, एंगल सम 360 डिग्री होती है, ये हमने क्वाड्रिलेटरल में देखा। फिर हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल के कई तरीके हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि एक होता है ट्रेपेजियम और एक होता है क्या, काइट। और ट्रेपेजियम और काइट की क्या खासियत थी कि जो ट्रेपेजियम होता है उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल, और काइट में एडजेसेंट टू एडजेसेंट पेयर मस्ट बी इक्वल। फिर हमने देखा कि ट्रेपेजियम के ही फर्दर पार्ट हो सकते हैं। ट्रेपेजियम में आगे क्या बोला कि ट्रेपेजियम में आएगा पैरेललोग्राम, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पैरेललोग्राम, इस तरीके से। अब पैरेललोग्राम की क्या खासियत थी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ये किसकी खासियत थी, पैरेललोग्राम की। फिर हमने देखा कि पैरेललोग्राम खुद कितने तरीके के हो सकते हैं, तो पैरेललोग्राम हो सकते हैं दो तरीके के, एक हो सकता है रेक्टेंगल और एक हो सकता है रोम्बस। रोम्बस रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगी होंगी, बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और रोम्बस में, और एक और चीज क्या पढ़ी थी कि एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और रोम्बस में क्या देखा था कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल और एंगल की कोई बात नहीं करी थी। और फिर एक और फिगर देखा था जो कि क्या था, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जो है रेक्टेंगल और रोम्बस अगर दोनों को मिला देते हैं तो स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या बनेंगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल
और एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल का पूरा बाइफरकेशन है कि क्वाड्रिलेटरल को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अब यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि कौन से फिगर को क्या बोलते हैं। मान लो सवाल आता है कि अ रेक्टेंगल इज अ ट्रेपेजियम, ट्रू और फॉल्स। तो क्योंकि वो ट्रेपेजियम की कैटेगरी में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रेपेजियम है। अगर कोई बोलता है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, तो आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम का टाइप है। तो सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ पैरेललोग्राम रोम्बस भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये जो पूरी टेबल मैंने आपके लिए बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार खुद खुद से समझना और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना कि किस फिगर को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको एक बार ये टेबल समझ में आ गई, ये टेबल बनाना आ गई आपको अगर, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से समझ लोगे। तो इस टेबल को आप बनाने का ट्राई करें। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाई थी उसी के बेसिस पे हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। तो ये हमको उस टेबल से साफ समझ में आता है कि स्क्वायर जो है वो क्या है, रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। और उसी टेबल से हमको समझ में आता है कि पैरेललोग्राम क्या है, एक तरीके का ट्रेपेजियम है। तो वो मैंने उस टेबल में आपको बता दिया है। और एक काइट जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, तो उस टेबल में मैंने आपको बता दिया कि जो पैरेललोग्राम होते हैं वो अलग होते हैं और काइट जो होती है वो अलग होती है। ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम होता है, बट जो ट्रेपेजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक साइड जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक पेयर पैरेलल होता है। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है साइड्स। और बोल रहा है रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है, और स्क्वायर जो है वो क्या होता है वो भी समझा दिया है, और रेक्टेंगल और रोम्बस क्या होते हैं वो मैंने पिछली टेबल में पूरा डीपली समझा दिया है। तो अब आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम जो है वो एबीसीडी आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या एक पैरेललोग्राम है। इसमें आमने सामने की साइड एक दूसरे के क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उससे हम क्या क्या बता सकते हैं। तो उससे हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये हम 6th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम डीसी और एबी को लाइन मान लेंगे, पैरेलल लाइंस हैं, और एसी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल डीसीए जो है वो एसीबी के बराबर है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो किससे हो जाएगा, इस वाले एंगल से बराबर हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल 1 जो कि ऊपर वाला ट्राइंगल है, और ट्राइंगल 2 जो कि नीचे वाला ट्राइंगल है, वो दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे? बाय बाय एएसए क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल। तो एंगल एंगल साइड एंगल में कौन कौन से एंगल लिए हमने, एक तो ये वाला एंगल लिया, एक ये वाला एंगल लिया, और एक ये वाली साइड ली। तीन चीजें हो गई हैं। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो यही हमारी थ्योरम 8.1 है। थ्योरम 8.1 आप देख सकते हो, इसमें वो बोल रहा है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो ये जो मैंने अभी आपको बोल के बताया है वो यहाँ पे उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है वो किस तरीके से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरीके से हम ये वाली 8.1 थ्योरम को समझ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या बोल रहा है ये हमको समझ में आना चाहिए, जिससे कि हम उसको आगे इस्तेमाल कर पाए। आगे बोल रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अभी अभी हमने क्या बोला कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से उनकी आमने सामने वाली साइड भी कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो ये जो 8.2 थ्योरम है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमको याद रखनी है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये हमने कैसे बताया, जस्ट अभी जो मैंने आपको समझाया कि दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से उनकी साइड भी बराबर हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि थ्योरम का कन्वर्स जो होता है वो भी हमको समझना चाहिए। तो 8.2 थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम अगर दिया है,
अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स कैसी हो जाएंगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये किस में हमने पढ़ा? इन 8.2 थ्योरम में ये चीज हमने पढ़ी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर ये चीज हमको गिवन दे दी है तो हम उससे क्या बोल सकते हैं, 8.2 के थ्योरम का कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये कन्वर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई सवालों में कन्वर्स लगाने की जरूरत पड़ जाती है। और ये जो कन्वर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट्स कन्वर्स, यानी कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। और ये क्या है अपनी थ्योरम 8.3 जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। और इस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो हमने क्या बोला कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि ये जो साइड है वो इसके बराबर है, ये हमको गिवन है, और ये जो साइड है वो इसके बराबर है, ये भी हमको गिवन है। अगर ये सब हमको गिवन है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो तीसरी साइड है वो कैसी हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। और तीसरी साइड अगर कॉमन हो गई तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो सेकेंड के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन, साइड साइड साइड। और अगर तीनों साइड बराबर होती है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। और ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो हम बोलेंगे कि डी सी इज पैरेलल टू ए बी, और इधर से क्या बोलेंगे, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम 8.3 खत्म हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 8.4 की तरफ। थ्योरम 8.4 में वो क्या बोल रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसमें हम बोलते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा सिमिलरली बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख सकते हो कि एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल एक्स प्लस y, और आप देख सकते हो कि एंगल डी भी कितने का है, x प्लस y का। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो यहां से क्या समझ में आ गया कि अपोजिट एंगल कितने के हो गए, बराबर के हो गए। और सेम तरीके से हम क्या बोल देंगे कि सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो थ्योरम 8.4 यही बोलती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड तो थ्योरम 8.4 यही बोलती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और इसी का उल्टा क्या बोल देंगे हम, तो अभी हमने देखा कि अगर पैरेललोग्राम हमको गिवन है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने देखा अभी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा कि इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका उल्टा हो जाएगा देन फिगर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। यही जो थ्योरम 8.5 है वो उसमें हमको बता रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, उसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इस तरीके से थ्योरम 8.5 भी जो है वो हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरम 8.6 की। थ्योरम 8.6 में क्या बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है इसमें आप देखो कि ये वाला जो एंगल है उसने इस वाले एंगल के बराबर बताया है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर बताया है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जो साइड है अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये दोनों साइड कैसे हो गई, बराबर। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि ये जो ट्राइंगल एओडी है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो किसके बराबर होगी, इस वाले के बराबर होगी बाय सीपीसीटी, और ये वाली जो लाइन है वो इस वाले के बराबर होगी बाय सीपीसीटी। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक बात और मैं समझा देता हूं कि बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट दो अलग अलग वर्ड होते हैं।
पहले आप समझ लो कि इंटरसेक्ट किसे कहते हैं। तो इंटरसेक्ट मतलब होता है सिंपली सिंपली कट करना, ठीक। तो इंटरसेक्ट का मतलब है सिंपली कट करना, जैसे कि ये लाइन है ए बी और ये जो एक और लाइन है, मान लो ये एक लाइन है एक्स वाई, तो एक्स वाई लाइन ने ए बी को इंटरसेक्ट किया है, ठीक। अगर यही लाइन, जैसे कि ये लाइन होती ए बी और ये जो लाइन एक्स वाई है वो मान लो बिल्कुल बीचों बीच में से निकलती, कुछ ऐसे इसके मिड पॉइंट पे से, तो अगर इसके मिड पॉइंट पे से निकलती तब हम उसको क्या कहते हैं कि बाइसेक्ट किया है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर होगी। और इंटरसेक्ट का मतलब है कि सिंपली कट किया है। अब वो हमें नहीं पता कि वो बीच में से कट किया है कि कहां से कट किया है, बट इतना पता है कि कट किया है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि एओ जो है वो ओसी के बराबर है, यानी कि ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, किसका, एसी का, और ओडी जो है वो किसका बराबर है, ओबी के बराबर। तो ओ एक और किसका मिड पॉइंट हो गया, डीबी का। तो इसलिए उसने बोला बाइसेक्ट, यानी कि आधे आधे हिस्से में बराबर बांट देता है। और फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका उल्टा होगा कि अगर किसी फिगर में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। ये जो चीज है वो 8.7 थ्योरम में उसने बताई है। 8.7 जो है वो 8.6 का क्या है, कन्वर्स है। और ये जितनी भी थ्योरम है वो हमको समझ में आनी चाहिए, तभी हम आगे के सवाल कर पाएंगे। और उसने इसका रीजन क्या बताया है, तो इसमें भी वही बोलेगा कि अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि ओडी जो है, ओडी जो है वो ओबी के बराबर है, और ये जो चीज है ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी कि अपोजिट साइड्स कैसी हो गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और हम क्या बोलेंगे कि डी ए ओ इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी ओ बाय सी पी सी टी। और ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई एंड कैसी भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, तो इसलिए वो क्या हो गया, दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से थ्योरम 8.7 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल वन की तरफ। एग्जाम्पल वन में वो हमको बोल रहा है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, और रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि वो एक पैरेललोग्राम होता है और इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब हमको शो करना है कि सारे बाकी के जो होंगे वो भी कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने अभी पढ़ा था ऊपर। तो ए के अपोजिट कौन सा है, सी। तो अगर ए 90 डिग्री का है तो सी भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये बात हमको समझ में आ गई। और अगर ए 90 डिग्री का है तो हम क्या करते हैं कि हमको मालूम है कि एडी जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमने ए बी को क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल। और हमको मालूम है कि को इंटीरियर एंगल का सम कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है पैरेलल लाइंस के बीच में। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो 180 डिग्री के लिए इसको भी कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री का होना पड़ेगा। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल बी के अपोजिट कौन सा है, एंगल डी। तो इस तरीके से ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर वन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की तरफ। एग्जाम्पल नंबर टू में बोला शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने एक रोम्बस बना लिया, और रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी चारों साइड कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब ये जो साइड है वो इसके बराबर है, ये जो साइड है वो इसके बराबर, और ये जो साइड है वो इसके बराबर, यानी चारों साइड बराबर है। और एक और चीज हमको मालूम है कि रोम्बस जो है वो क्या है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अगर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि उसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो ओ सी और ओ ए बराबर है, और उसी तरीके से ये जो ओ डी होगा वो किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आपको समझ में आएगा कि कौन किसके बराबर है। अब यहां से आप देख सकते हो क्या, तो अब वो बोल रहा है कि ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। एओडी ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, और सीओडी ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। अब आपको दिख गया होगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से है बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। एसएसएस मतलब साइड साइड साइड, तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी हैं, बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये कॉमन है और ये वाली इसके बराबर है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी जो पार्ट्स होंगे सीपी सीटी से सारे सारे पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए उसने बोला है कि एओडी इज इक्वल टू सीओडी, और एओडी कौन सा एंगल है ये वाला, और ये कौन सा है सीओडी कौन सा है ये वाला। तो एओडी और सीओडी बराबर है और वो कैसे है, लीनियर पेयर भी है। तो दोनों का क्या बोलते हैं, अगर इसको मैं एक्स बोल देता हूं तो ये भी कितना होगा एक्स, तो एक्स प्लस एक्स कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो 2x कितना आ गया 180, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि अगर एक एंगल 90 का है तो उसके बगल वाला भी 90 का होगा, और वर्टिकल अपोजिट से उसके सामने वाला भी 90 होगा। इस तरीके से चारों एंगल 90 के हो जाएंगे। तो ये हो गया एग्जाम्पल टू, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल थ्री की तरफ। एग्जाम्पल थ्री में वो बोल रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी, और फिर शो दैट, ये जो सवाल है वो पूछ रहा है। अब आप बोलोगे कि इतना सारा कुछ बोल दिया हमको, तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बोला क्या नहीं बोला, और इसका फिगर वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो ए बी सी, क्योंकि उसने पहली लाइन में हमको क्या बोला है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जो कि आइसोसेलस है। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, उसकी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब उसने बाद में क्या बोला उसके कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो यहां से हमको क्या समझ में आ गया कि ये जो लाइन है वो इसके बराबर दी है। अब हमने यहां तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया पूरा, इससे पहले का हमने पूरा सवाल बना लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ए डी जो है वो ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, तो पी तो है नहीं, तो पहले पी बनाना पड़ेगा। तो P हमने बना लिया यहां पे, ये हमने P बनाया, पहले तो हमने इसको एक्सटेंड किया, तो ये हो गया P। अब ये हो गया PAC हमको बन गया, और इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, AD। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, AD हमने बनाया, तो इसको बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब होता है कि दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये हमने क्या बना दिया, AD बना दिया, जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। और बोला CD इज पैरेलल टू AB, तो CD कहाँ है, CD ये रहा, CD को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये हमने क्या बना दिया, ये बन गया CD। तो ये जो D है वो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, D हुआ। तो CD यानी कि ये जो चीज है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। अब ये हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम फिगर बनाते हैं कि सारी जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाए। अब उसने बोला है प्रूफ करो कि एंगल DAC किसके बराबर है, BCA के बराबर। तो DAC कौन सा है, DAC ये वाला एंगल है, इसको हम X बोल देते हैं। और BCA कौन सा है, BCA यानी कि ये वाला एंगल है, इसको हम Y बोल देते हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि X और Y बराबर है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये वाला एंगल Y है और ABC अगर एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर साइड बराबर होंगी तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी कितने हो गया, वाई का हो गया। अब आपको एक और चीज मालूम होगी कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो बाकी के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब पहली बात तो ये बाइसेक्टर है, एडी बाइसेक्टर है किसका, एंगल पीएसी का। तो अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, एक्स का हो गया, क्योंकि बाइसेक्टर क्या करता है, बराबर में बांट देता है। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल पी ए सी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, बाकी के दो एंगल जो कि कौन से हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी के बराबर। अब ए सी बी तो आपको दिख रहा है वो किसके बराबर है, ए सी बी इज वाई, और ए बी सी कितना है वो भी कितना है, वाई है, और पी ए सी कितना है, टू एक्स। तो यहां से टू एक्स किसके बराबर आ गया, 2y के बराबर। तो 2 से 2 कट गया तो x किसके बराबर आ गया, y के बराबर। तो इस तरीके से x बराबर y हो गया, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो ये वाला पार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको दिख रहा है कि अगर एंगल x y के बराबर हो चुका है, यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले के बराबर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम क्या बोल देंगे कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो साइड्स पैरेलल होंगी। तो BC किसके पैरेलल हो गया,
AD के पैरेलल, और AB हमको CD के पैरेलल दे ही रखा है। तो इफ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट हो गया। एग्जाम्पल फोर में बोल रहा है कि टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो आप इसके फिगर को भूल जाओ, हम इसका फिगर वापस से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कि दो पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी एल और एम। तो ये एक लाइन हमने बना दी एल और ये एक लाइन हमने बना दी एम, और एक बोल रहा है कि इनको ट्रांसवर्सल काटती हुई जा रही है जो कि है ये पी। तो अब वो बोल रहा है कि ये लाइन P है, ये लाइन L है और ये लाइन M है। बोल रहा है कि इनके जो एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक तो ये वाला इंटीरियर एंगल होगा, तो इसका बाइसेक्टर कैसा जा रहा होगा, कुछ इस तरीके से जो कि बीच में से जाएगा। और सिमिलरली इसका बाइसेक्टर कैसा जा रहा होगा, इसका बाइसेक्टर इन दोनों के बीच में से जा रहा होगा इस तरीके से, और इसका बाइसेक्टर कैसा जा रहा होगा इन दोनों के बीच में से, और इसका बाइसेक्टर कैसा जा रहा होगा इन दोनों के बीच में से। तो जो फिगर बनेगा, जैसे कि इस पॉइंट को ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया और इसको डी नाम दिया, तो वी हैव टू प्रूव। टू प्रूव में हमको क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। तो हमको दे रखा है कि ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं कि एंगल, ये जो पहली बात तो ये बाइसेक्टर है, तो इसको अगर मैं एक्स बोल रहा हूं तो ये वाला एंगल कितने का होगा, एक्स का होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि एल जो है वो एम के पैरेलल है, एम अगर एल के पैरेलल है तो करस्पोंडिंग एंगल से ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है वो इस पूरे एंगल के बराबर होना चाहिए। और सी डी जो है वो क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो अगर ये पूरा एंगल 2x का था तो ये पूरा एंगल भी 2x का होगा, और उसका आधा कितने का हो जाएगा, x का। तो ये वाला एंगल भी कितने का रहेगा, x का, और ये वाला एंगल भी कितने का रहेगा, x का। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि ये जो दोनों एंगल है कौन कौन से, ये वाले जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। अब आप बात करो कि ए बी और अगर हम बोले सी डी, ए बी और सी डी के बीच में हम अगर ए सी को क्या ले लें, ट्रांसवर्सल ले लें, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसवर्सल अगर हमने ए सी को ले लिया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा कौन कौन से, ये वाला और ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये बात आपको समझ में आ गई क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। और सिमिलरली हम अगर सेम तरीके से जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया है, ऐसे हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि AD जो है वो किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि जैसे हमने X और X मान के किया है, हम वैसे ही इसको Y मान लेंगे और सब कुछ Y के टर्म में हो जाएगा, और ये कितने का आ जाएगा, Y का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि ABCD क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि अपोजिट पेयर कैसे हमने बता दिए, अपोजिट पेयर कैसे हो चुके हैं, पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं। अब हमको 90 डिग्री का एंगल भी बताना पड़ेगा, तभी तो उसको हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखो अगर ये एंगल वाई का है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, वाई का, क्योंकि वो क्या है, बाइसेक्टर। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो कितने का हो गया, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का हो गया। और ये पूरा एंगल बना किससे है, तो एक एक्स ये वाला है, एक एक्स ये वाला है, एक वाई ये वाला है और एक वाई ये वाला है। तो टोटल क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 2 कॉमन आके x प्लस y कितना हो गया, 180 डिग्री। और यहां से x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, क्योंकि 2 से कट जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से x प्लस y 90 आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, पूरे की x प्लस वाई के बराबर है। तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगल में। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से प्रूफ हो चुका है। तो अब आप इस क्वेश्चन को यहां से देख सकते हो, इस तरीके से एग्जांपल 4 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल।
तो अब आप बोलोगे बाइसेक्टर भी आ गया, पैरेललोग्राम भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि क्या बोलते हैं, पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो उसने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ए बी सी डी आपको दिख रहा है। अब उसने बोला कि इस पैरेललोग्राम के क्या ले लो, बाइसेक्टर ले लो। बाइसेक्टर मतलब कि जो एंगल है उनको आधे आधे में काटने वाली लाइंस। तो इसलिए उसने डीआर को एक बाइसेक्टर ले लिया। तो अब डीआर ने क्या किया, अगर हमने इस वाले एंगल को एक्स मान लिया जो कि ये वाला एंगल है, तो बाकी इसके बगल वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, एक्स का, क्योंकि डीआर क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है, आधे आधे में बांट देता है। तो ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स का हो गया। तो इस तरीके से उसने चारों बाइसेक्टर बनाए हैं। तो अब हमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हमारे पास क्या आया कि ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बना, कौन सा, पी क्यू आर एस। तो हमको प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि इस एंगल को हम एक्स बोल देते हैं, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को क्या बोल देता हूँ, वाई। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल, ये जो आपको छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए डी एस, ए डी एस कौन सा ट्राइंगल है, ए डी एस, ये वाला ट्राइंगल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ट्राइंगल ए डी एस में आप देख सकते हो कि एंगल जो एस है, एंगल एस की वैल्यू प्लस एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहां से आप एंगल एस की वैल्यू क्या निकालोगे, एंगल एस विल बी 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये पूरे का पूरा ब्रैकेट में दूसरी तरफ ले गया। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। और अगर ए बी को हम सी डी के पैरेलल मान लें, तो ए डी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल में को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री की आ गई। ये हम सिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2y, और एंगल डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2x। तो ये कितने का बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कॉमन लेके 180 से डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना आ गया, 90। अब ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अगर 90 पुट करेंगे तो एंगल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 90। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ से हम बोलेंगे कि एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कि जिस तरीके से मैंने एंगल एस की वैल्यू निकाली 90 की, उसी तरीके से क्या हम एंगल क्यू की निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसी तरीके से क्या हम एंगल आर की निकाल सकते हैं, हाँ। एंगल पी की निकाल सकते हैं, हाँ। तो चारों एंगल कैसे हो गए, बराबर। तो हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और इसका उल्टा क्या पढ़ा था हमने फिर बाद में, कि अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का अगर एंगल 90 डिग्री का है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल। तो इस तरीके से पी क्यू आर एस एज रेक्टेंगल ही हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 से पहले हमारे पास एक थ्योरम आ गई कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो इस बार क्या बोल रहा है कि आमने सामने की साइड बराबर भी है और आमने सामने की साइड पैरेलल भी है। तो ये दोनों साइड बराबर भी है और ये दोनों साइड पैरेलल भी है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हम ट्राइंगल 1 की और ट्राइंगल 2 की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये जो साइड है वो क्या है, ए सी जो है वो दोनों में कॉमन है, और डी सी जो है वो ए बी के बराबर है, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। तो बाय बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर तो हमने पहली थ्योरम क्या पढ़ी थी कि जो डायगोनल होता है वो क्वाड्रिलेटरल को अगर बराबर हिस्सों में बांट देता है, बराबर बोले तो कॉन्ग्रुएंट में कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमने थ्योरम 8.1 पढ़ी थी, और उसी थ्योरम से ये जो फिगर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरेललोग्राम में। तो इस तरीके से थ्योरम 8.8 भी हो चुकी है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स है ए बी के और सी डी के। अब उसने ए को क्यू से ज्वाइन किया और क्यू को बी से ज्वाइन किया। सिमिलरली उसने डी को पी से ज्वाइन किया और पी से सी को ज्वाइन किया, तो बीच में ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, एस और आर। अब वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो ए पी सी क्यू पहले तो है कहाँ, ए पी सी क्यू, अगर ए पी सी क्यू की बात करी जाए, तो आप पहले ये देखो कि ए बी सी डी एक पूरा पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं इस वाली साइड को 2
2A बोलता हूँ, इस वाली साइड को 2A बोलता हूँ, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी कैसे होती है बराबर, तो सामने वाली साइड भी कितने की हो जाएगी 2A की। अगर ये साइड 2A की है और Q क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो Q क्या करेगा इन दोनों को बराबर में बांट देगा, तो ये कितने की हो जाएगी, DQ कितने का हो जाएगा, A का, और इसी तरीके से QC भी कितने की हो जाएगी, A की, और इसी तरीके से AP कितने का हो जाएगा, A का, और PB कितने का हो जाएगा, A का। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू DC। जी बिल्कुल सही है। तो अगर हमने किसी साइड को काट दिया तो क्या वो अभी पैरेलल नहीं रहेगी, मतलब कि अगर मैंने ये जो दो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, अब मैंने अगर ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा मिटा दिया और इसका मान लो ये वाला हिस्सा मिटा दिया, तो क्या ये दोनों लाइन अभी भी पैरेलल है या नहीं है, तो ये दोनों लाइन अभी भी पैरेलल है। तो उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे कि अगर ABCD के पैरेलल है तो AP किसके पैरेलल होगा, QC के। तो बस अब आप देख सकते हो कि AP जो है वो किसके बराबर है, QC के बराबर है, AP QC के बराबर भी है और AP QC के पैरेलल भी है। तो इन दोनों चीजों से हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से पहला पार्ट हो गया। अब बात कर रहा है वो DP BQ, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम एज एग्जांपल, सेम एज फर्स्ट पार्ट। तो जिस तरीके से पहले पार्ट में हमने ये सब चीजें करी हैं, आप देख सकते हो कि इसमें भी हम वही चीज अप्लाई कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि PSQR को पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो PSQR आपको दिख रहा है कौन सा है, जी है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी बात करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि पहले पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था कि APCQ एक पैरेललोग्राम है। अगर APCQ एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये जो साइड है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और सिमिलरली दूसरे पार्ट से हम क्या बोल देंगे कि ये वाली जो साइड है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो अगर अपोजिट साइड्स दोनों कैसी हो गई है, पैरेलल हो चुकी है, अब बोथ पेयर अगर पैरेलल हो गए तो PSQR क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट हो गया। आप चाहो तो इसका एग्जांपल सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इस तरीके से एग्जांपल 6 भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। 8.1 में पहले सवाल में बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो इसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। ये कितने होगा, चार एंगल हो गए। अब हमको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, तो 30x इज इक्वल टू 360 आ गया। तो यहाँ से x कितना आएगा, 360 by 30, और ये 0 से 0 कटेगा, 3 से 36 कटेगा 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब ये जो x है हम सब में पुट कर देंगे, तो 3x वाला जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा, तो 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री का ये एंगल हो गया। 5 × 12 यानी कि 60 डिग्री का ये हो गया। 9 × 12 यानी कि 108 डिग्री का ये हो गया। और ये हो जाएगा 13 × 12 इज 156 डिग्री। तो इस तरीके से पार्ट वन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू में बोल रहा है इफ द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि डायगनल्स हमको कैसे दे दिए पैरेललोग्राम के इक्वल, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो हमने एक फिगर बना लिया। अब क्योंकि हमको मालूम है कि रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हम पहले ही रेक्टेंगल बना लेते हैं जिससे कि हमको इजीली दिख जाए वो चीज। अब ये हमने एक फिगर बना लिया, इसमें उसने बोला है कि ये जो डायगनल BD है वो किसके बराबर है, डायगनल AC के बराबर। तो हम बात करते हैं कि इसको हमको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हम क्या लिख देंगे, टू प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब बात करते हैं, तो ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ABCD पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया है। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में कैसे आते हैं कि किसी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल ABD को ले लेते हैं और ले लेते हैं हम ट्राइंगल BAC को।
अब आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और ये जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे कि एडी इज इक्वल टू बीसी, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और उसके बाद हम बोलेंगे कि बीडी इज इक्वल टू एसी, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमको गिवन है, गिवन क्या है? डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और डायगनल क्या है? एसी और बीडी। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय ट्रिपल एस रूल या फिर क्राइटेरियन। अब यहां से आपको ये समझ में आएगा कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके दोनों के एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल एंगल ए जो है वो पूरे का पूरा एंगल अगर एक्स का है, तो ये वाला पूरे का पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? ये भी कितने का हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड जो है वो इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका कोइंटीरियर एंगल का सम कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो x प्लस x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 180 डिग्री की आनी चाहिए। तो यहां से 2x कितने का आ गया? 180 डिग्री का, और डिवाइड कर देंगे तो x कितने का आ जाएगा? 2 का डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो एक एंगल अगर 90 का हो गया तो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगल में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये गिवन है कि जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमको प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है, यानी कि टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में आएगा ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। तो एक ये जो चीज है वो इसके बराबर होगी, और ये जो चीज है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि डायगनल बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में बांट देंगे। अब यहां से आप समझ सकते हो क्या कि ये जो ट्राइंगल है वो इसके कैसा हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे? बाय एस ए एस, यानी कि देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, दोनों 90 के, और ये वाली जो साइड है ओडी वो किसके बराबर है? ओबी के बराबर, हमको गिवन है। और ओसी जो है वो दोनों में कैसी है? कॉमन है। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? बोथ 90 के, एंगल सी ओ डी एंड एंगल सी ओ बी। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीडी से हम क्या बोल देंगे कि बीसी जो है वो किसके बराबर है? सीडी के बराबर। सेम इसी लॉजिक से हम क्या बोल देंगे कि सीडी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? एडी के बराबर आ जाएगी। और इसी लॉजिक से एडी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? एबी के बराबर आ जाएगी। तो चारों साइड कैसी हो चुकी है? बराबर। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? रोम्बस कहलाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि शो करो कि डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमने क्या किया, ए बी सी डी एक स्क्वायर बना लिया, और उसमें हमने ए सी और बी डी डायगनल बना लिए जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बात यह है कि स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम होता ही है, ये हमको पहले से मालूम है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो डायगनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। अब हमको सबसे पहले प्रूफ करना है कि डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल हम ले लेंगे ए डी बी, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ट्राइंगल बी सी ए। आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल में मैं बोलूंगा कि ए डी जो है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉमन है ए बी और ए बी। और दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल डी ए बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, क्यों? क्योंकि बोथ कैसे हैं? 90 डिग्री के। कौन सा एंगल डी ए बी? ये वाला एंगल डी ए बी और ये वाला एंगल सी बी ए है, तो दोनों कितने के हो गए? 90 डिग्री के। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि साइड एंगल साइड से, क्योंकि एक ये वाली साइड ली है, एक ये वाली साइड ली है, और दोनों के बीच का एंगल लिया है, तो साइड एंगल साइड से बाय एस ए एस ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए।
तो यहां से हम क्या बोल देंगे भाई, सीपीसीटी डीबी इज इक्वल टू एसी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां से क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। अब हम बात करते हैं कि हमको ये भी प्रूव करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो हम प्रूव बता चुके हैं कि बाइसेक्ट तो करेंगे, बट ये प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो अब अगर ये दोनों डायगोनल बराबर है तो ये जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी, ये चारों लेंथ एक दूसरे को बराबर बराबर काट देंगी, क्योंकि पॉइंट ओ जो है वो दोनों डायगोनल का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अब हम बात करते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जिस पे मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए ओ जो है वो किसके बराबर है, और सी ओ के बराबर, और डी ओ जो है वो दोनों में कैसा है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और ए डी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर की साइड जो होती है वो बराबर होती है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्कुरेंट बाय ट्रिपल एस, यानी कि साइड 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 से। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्कुरेंट है तो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा बाय सी पी सी टी। और ये दोनों एंगल कैसे है, लीनियर पेयर भी है, तो वही वाली बात है। अगर इसको एक्स बोल रहा हूँ तो ये भी कितने का हो जाएगा, एक्स का। तो एक्स प्लस एक्स का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो 2x कितने का हो गया, 180 डिग्री का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, क्योंकि अगर ये एंगल 90 का है तो बाकी के चार तीनों भी कितने के हो जाएंगे, 90 के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमको। तो टू प्रूफ में हमारे पास क्या आ गया, टू प्रूफ में आ गया हमारे पास कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और गिवन में हमारे पास क्या है कि ये दोनों डायगोनल बराबर है, यानी कि गिवन में हम क्या लिख लेंगे, गिवन में है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये जो एंगल है वो कितने का, 90 का दे रखा है, यानी कि एंगल ए ओ डी कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि हमको वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हुए गिवन है। अब हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओडी 90 डिग्री का दिया है, और एक और चीज दी है कि बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ए ओ बराबर ओ सी होगा और डी ओ बराबर ओ बी होगा, वो गिवन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि इनकी जो अपोज ये वाली जो साइड्स है वो इस तरीके से बराबर है, आपको दिख रही है, और ये जो एंगल है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और सिमिलरली हम क्या बोलेंगे कि अगर ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, और सी पी सी टी से ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो चुके हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो यहां से ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन चुका है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस पैरेललोग्राम को स्क्वायर कैसे बनाया जाए। तो पैरेललोग्राम को स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दो चारों साइडों को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके अलावा हमको एक एंगल 90 डिग्री का भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, एक तो ये वाला वापस से और एक ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो कि ये एंगल 90 का है अगर, तो ये वाला एंगल भी 90 का है, और ये साइड इसके बराबर है। तो मैं बता देता हूँ कि हम कौन कौन सी साइड को ले रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, और एक और चीज क्या है कि एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, और ओ डी जो है वो दोनों में क्या है, ओ डी इज कॉमन इन बोथ। तो इस तरीके से ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू डी सी।
तो यहां से हमको क्या समझ में आ गया कि एडजेसेंट साइड भी बराबर है और आमने सामने की साइड भी बराबर है, इसका मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो यहां से अभी क्या समझ में आ गया कि ए बी सी डी जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ए बी सी डी इज नाउ अ रोमबस। ये हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड बराबर हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रोमबस बोल देते हैं पैरेललोग्राम को। अब हमको ये 90 डिग्री का एंगल और प्रूफ करना है, अगर हम वो कर देंगे तो जो रोमबस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए। आप देख सकते हो ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए में डी ए जो है वो सी बी के बराबर है, ए बी दोनों में कॉमन है, और ये जो डायगनल्स है डी बी वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन। आप देख सकते हो वो तीनों साइड कौन सी है उनकी, तो यहां से हम क्या बोलेंगे डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। और हम यहां से क्या बोलेंगे कि तो यहां से जो एंगल एंगल डी ए बी है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल सी बी ए के बराबर होना चाहिए, और क्योंकि ये जो बी डी है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, तो ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगी, ए बी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और ये दोनों बराबर भी हैं। तो एंगल डी ए बी और सी बी ए की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल डी ए बी कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल डी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो रोमबस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। तो इस तरीके से जो हमको प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए, तो हमको प्रूफ करना है कि इट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को एक्स मान लेते हैं, और अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो सी डी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। सी डी अगर ए बी के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम क्या बोलेंगे कि अगर एंगल बी ए सी जो कि एक्स के बराबर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी डी के बराबर। तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, एक्स का। और सिमिलरली हम बोलेंगे कि ये जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल डी ए सी जो कि वो भी कितने के बराबर है, एक्स के बराबर, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी ए के बराबर। तो ये भी कितना हो गया, एक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है एंगल सी वो कितने पार्ट में बट गया, दो में, और दोनों कितने हैं, एक्स के बराबर, यानी कि दोनों पार्ट बराबर है। इसका मतलब ये जो डायगनल ए सी है उसने सी को भी बाइसेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने पार्ट वन कर लिया। अब हम बात करते हैं ए बी सी डी को रोमबस प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम को रोमबस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी चारों साइड को बराबर करना पड़ेगा। तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये अगर प्रूफ कर दिया तो हमारा काम चल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ए डी सी आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ए डी सी में ये जो दोनों एंगल है वो एक दूसरे के कैसे है, बराबर है। ये वाला एंगल ये जो है वो भी एक्स का है, और ये वाला एंगल जो है वो भी एक्स का है। तो ये जो ट्राइंगल है वो कैसा हो जाएगा, आइसोसेलस ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलस हो गया तो ट्राइंगल ए डी सी इज आइसोसेलस, और अगर आइसोसेलस है तो ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल में भी हम यही बोलेंगे, तो ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। और ए डी और बी सी क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। तो ये देखो आप, ये दोनों तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसका मतलब चारों साइड कैसे हो गई, बराबर। तो इस तरीके से ए बी सी डी एक रोमबस हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि ए बी सी डी एक रोमबस है,
तो हमको प्रूव करना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो क्वेश्चन 7 है वो क्वेश्चन 6 का उल्टा है, कन्वर्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि क्योंकि ABCD एक रोम्बस है, तो AD जो है वो DC के बराबर होगा, और AB और ये चारों साइड बराबर होती है रोम्बस की, ये हमको मालूम होना चाहिए क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये रोम्बस है तो अगर ये वाला एंगल X है, तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ADC क्या हो चुका है, एक आइसोसेलस ट्राइंगल हो चुका है, और उसकी दोनों साइड ये वाली बराबर है, तो उसके सामने आमने के एंगल भी बराबर होंगे, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। अब सिमिलरली हम बात करते हैं कि ये जो है AB जो है BC के बराबर है, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि अगर ये वाला एंगल वाई का है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। अब हमको बाइसेक्ट करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर। तो ये हमारे लिए अभी क्या हो गया, टू प्रूफ। तो एक्स को वाई के बराबर प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो हम बोलेंगे कि ABCD जो है वो एक क्या है, रोम्बस है, और रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। अगर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो ये वाली जो साइड है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो ये जो चीज है वो प्रूव हो चुकी है। और सेम इसी लॉजिक से आप क्या करोगे कि एक डायगनल ऐसा क्रिएट कर लेना, एक डायगनल ऐसा क्रिएट करके सेम लॉजिक लगा देंगे, तो अपन को वो प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D आर बाइसेक्टेड बाय डायगनल BD। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, और इसमें हमको बोला है कि AC जो है वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो एंगल A कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का, और AC ने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 45 डिग्री का, और बाइसेक्ट किया तो दोनों एंगल बराबर के होंगे, और एंगल C भी बाइसेक्टेड है, तो ये कितने का हो जाएगा, 45 का, और ये कितने का हो जाएगा, 45 का। अब आपको दिख रहा होगा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में बात करी, सेम तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल ADC क्या बन गया, एक आइसोसेलस ट्राइंगल बन गया, क्योंकि उसके दोनों एंगल बराबर के हैं। अगर दोनों एंगल बराबर के हैं तो ये साइड जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, और क्योंकि ये क्या एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर ये साइड AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर, और DC के बराबर क्या हो जाएगी, AB। तो चारों साइड बराबर की हैं, और आप देख सकते हो कि एंगल भी 90 डिग्री का है, तो ABCD जो स्क्वायर है वो इस तरीके से हम प्रूव कर चुके हैं। इस तरीके से हमारा हमारा पहला पार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं डायगनल BD जो है वो बोल रहा है कि इसको भी प्रूफ करो कि ये एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये हमने बी से डी को ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल मान लो एक्स का है, और ये वाला एंगल कितने का है, मान लो वाई का है। तो अगर ये एंगल एक्स का है तो अल्टरनेट से ये कितने का हो जाएगा, एक्स का, और ये वाला एंगल अल्टरनेट से कितने का हो जाएगा, वाई का। अब हमको प्रूफ क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई, सिर्फ ये प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हो कि अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये क्या है, ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB में आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है वो क्या बन चुका है, स्क्वायर। और स्क्वायर में हम पहले ही पढ़ चुके थे कि स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये चारों साइड कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमको क्या पता लग गया कि AO जो है वो OB के बराबर है, तो इसका मतलब AOB इज ऑल्सो एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये जो एंगल है एक्स वो कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। और सेम लॉजिक से अगर हम बात करें तो COB भी क्या हो चुका है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल। तो वो भी यहाँ से क्या समझ में आ जाएगा कि एंगल वाई भी कितने का, 45 डिग्री का। तो यहाँ से दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर के। तो इस तरीके से एंगल B बाइसेक्ट हो चुका है, और सेम लॉजिक से एंगल D भी बाइसेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम ABCD है, उसमें डायगनल्स पे जो कि BD है उसमें दो पॉइंट लिए हैं P और Q, सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। ये हमको दे रखा है, तो हमको प्रूव करना है कि APD जो ट्रायंगल है वो CQB के बराबर है। यानी कि APD कौन सा ट्रायंगल है, APD ये वाला ट्रायंगल जो है वो CQB, यानी कि इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, देखो कि ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो हमसे यहाँ से क्या समझ में आ गया कि BC जो है वो किसके बराबर हो गया, AD के बराबर, और BQ जो है वो PD के बराबर हमको गिवन है। और क्योंकि ये
बीसी जो है वो किसके पैरेलल है, एडी के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से अपना पहला पार्ट हो गया। अब एपी बराबर सीक्यू तो किससे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी से आप लिखी दोगे, तो ये सीपीसीटी से हो गया सेकेंड पार्ट। अब बोला ट्राइंगल ए क्यू बी को सीपीडी के बराबर करो, तो ए क्यू बी कौन सा ट्राइंगल है सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो ए क्यू बी जो है वो ये वाला ट्राइंगल है, और सीपीडी कौन सा ट्राइंगल है, वो ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो कि अपोजिट साइड्स की वजह से ये दोनों लाइंस भी क्या, ये दोनों लेंथ भी कितनी हो जाएंगी, बराबर। और सिमिलरली क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर से ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो वापस से ये वही एस एस से ये भी पार्ट हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर ऑलरेडी थी, ये दोनों साइड हमने अभी प्रूव कर दी, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये एंगल अल्टरनेट से बराबर हो गया, और ये जो है वो क्या हो गया, बाय सीपीसीटी। अब एपीसीक्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, आप देख सकते हो कि एक्यू जो है वो सीपी के बराबर है और एपी जो है वो सीक्यू के बराबर है। तो यहां से हमको क्या पता लग गया कि अपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक थ्योरम है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो बोल रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एपी और सीक्यू परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टाइसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी। तो वो बोल रहा है प्रूव करो ट्राइंगल एपीबी सीक्यूडी के पैरेलल है। तो एपीबी कौन सा हुआ, एपीबी ये पूरा ट्राइंगल हो गया, और सीक्यूडी कौन सा हो गया, सीक्यूडी ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे हम, तो अब आप देख सकते हो कि ए को सी से ज्वाइन करने से हमको दिख गया कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, और क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। यहां से आप देख सकते हो कि वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट बाय एंगल एंगल साइड। क्यों, क्योंकि ये एक एंगल 90 का आपको दिख ही रहा है, ये भी एंगल 90 का है, और ये दोनों साइड बराबर है, और ये दोनों एंगल वर्टिकल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर हो गए। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि एपी जो है वो किसके बराबर आ गया, सीक्यू के बराबर बाय सीपीसीटी, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। और ओपी इज इक्वल टू कितना आ गया, ओक्यू, वो भी किससे, बाय सीपीसीटी। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल, अब हम ये सब हटा देते हैं क्योंकि हमने ये सब प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल एपीबी जो कि हमको प्रूव करना है किसके बराबर, और ट्राइंगल सीक्यूडी की। तो एपी जो है वो सीक्यू के बराबर हम प्रूव कर चुके हैं, ये पिछले अभी जो किया था यहाँ पे ही हमने प्रूव कर लिया। तो साइड है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्यों है वो, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो कितने का, 90 डिग्री का। तो आपको दिख गया होगा कि आरएचएस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड, देखो राइट एंगल तो ये रहा, और राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस वो भी बराबर है, और एक साइड कौन सी बराबर है, एपी और सीक्यू। तो बाय आरएचएस ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी, और बाय सीपीसीटी एपी इज इक्वल टू सीक्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल डी ई एफ है सच दैट ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ए बी जो है वो डी ई के बराबर हमको दे रखा है, और ए बी पैरेलल टू डी ई भी दे रखा है, तो ए बी डी ई के पैरेलल भी दे रखा है। तो यहां से हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि ए बी डी ई एक पैरेललोग्राम हो चुका है, क्योंकि हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये वाला पार्ट तो पहले यही समझते से ही हो गया। उसके बाद बी ई एफ सी, तो देखो आप बी सी को ई एफ के बराबर बोल रहा है और बी सी को पैरेलल भी बोल रहा है ई एफ के, तो बी ई एफ सी आप देख सकते हो वो भी क्या हो चुका है, एक पैरेललोग्राम हो चुका है सेम लॉजिक से। अब वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि एडी जो है वो सी एफ के पैरेलल है और एडी जो है वो सी एफ के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है।
तो आप देख सकते हो कि हमने ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं और बी ई एफ सी को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, ए डी इज पैरेलल टू बी ई, क्योंकि हमने पहले पार्ट में प्रूफ किया ये एक पैरेललोग्राम है, और दूसरे पार्ट में हमने बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, तो बी ई किसके पैरेलल आ गया, एफ सी के। तो यहां से आपको दिख ही गया होगा हम क्या बोलेंगे, ए डी इज पैरेलल टू बी ई, और बी ई किसके पैरेलल है, खुद बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। तो यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ए डी भी किसके पैरेलल आ गया, सी एफ के पैरेलल आ गया। सेम इसी लॉजिक से हम क्या बोलेंगे कि ए डी जो है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, तो यहां से ए डी जो है वो किसके बराबर आ गया, बी ई के बराबर आ गया, और बी ई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने बी ई एफ सी को भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। तो यहां से हम वापस क्या बोल देंगे कि ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू सी एफ। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट हो गया, और ए डी पैरेलल टू सी एफ है और ए डी बराबर भी है सी एफ के, तो वो पैरेललोग्राम भी हो जाएगा, तो ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब वो बोल रहा है कि ए सी को डी एफ के बराबर प्रूफ करो, तो अगर ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए सी जो है, ये जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये पार्ट भी हो गया, और आप ट्राइंगल ए बी सी को डी ई एफ के बराबर करने के लिए बोल रहा है, कॉन्कोरेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आप देख सकते हो कि तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, और ए सी डी एफ के बराबर है, ये सब आप प्रूफ कर चुके हैं। तो ट्राइंगल जो है वो ट्रिपल एस थ्योरम से, ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरीके से अपना एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हमको ए बी और सी डी पैरेलल दे दिए, और बोल रहा है ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ए को बी के बराबर प्रूफ करना है। तो एंगल ए को अगर मैं एक्स बोल दूं और एंगल बी को वाई बोल दूं, तो वी हैव टू प्रूव एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सी ई एक बना लिया, सी ई एक लाइन बनाई, किस तरीके की लाइन बनाई कि हमने सी ई को ए डी के पैरेलल एक लाइन मान ली। तो अब आप देख सकते हो कि ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमको गिवन है, और यानी कि ये हमको गिवन है तो हम लिख देते हैं, और ए डी इज पैरेलल टू सी ई, ये हमने क्या किया बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने ऐसा बना लिया। तो ए डी सी ई अगर एक पैरेललोग्राम है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस वाले एंगल को जेड नाम दे देते हैं। अब आप देखो कि ए डी सी ई अगर एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसी होती है, इक्वल, तो ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, सी ई के बराबर होगा, और ए डी ऑलरेडी किसके बराबर था, बी सी के बराबर, तो ए डी सी ई के बराबर हो गया, और ए डी ऑलरेडी किसके बराबर था, बी सी के बराबर। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा कि सी ई और बी सी भी कैसे हो गए, सी ई और बी सी भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो अब अगर ये ऐसी बात है कि सी और बी सी बराबर है, तो ट्राइंगल बी सी ई जो है वो क्या होगा, एक आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया। अगर ट्राइंगल बी सी ई एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो अगर ये एंगल को हमने जेड नाम दिया, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। आइसोसेलस ट्राइंगल में साइड्स बराबर होती है, तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब सी ई क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो एक्स प्लस जेड का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है, इधर इधर ये जो एंगल है, ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई प्लस जेड को क्या लिख देंगे, वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस जेड, और यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस जेड। तो यहां से आपको दिख गया होगा कि x इज इक्वल टू y। तो ये अपना पहला पार्ट हो चुका है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब वो बोल रहा है कि एंगल सी को एंगल डी के बराबर करो, तो अगर ये एंगल x था और ये y है, तो पहली बात तो ये भी कितना हो गया, अब x हो गया। अब बात करते हैं कि एंगल सी की जो वैल्यू है वो कैसे होगी। तो आप देखो कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये एंगल जेड का है, ये वाला एंगल अगर जेड का था, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी
जेड का हो जाएगा। और अगर आप बात करते हैं कि पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, अगर एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल ये जो यहाँ पे एंगल है, ये वाला एंगल ये जेड का है, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी कितने का होगा, ये भी कितने का होगा, जेड का होगा। तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट भी हो गया, क्योंकि एंगल सी और एंगल डी आपको दिख गया, दोनों बराबर आ गए। अब वो बात कर रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बी ए डी के कॉन्ग्रेंट कर दो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो अपन इसको साफ कर देते हैं। अब ए बी सी पहले हमको बनाना पड़ेगा, तो ए बी सी ट्राइंगल जो है वो कुछ ऐसा होगा, और बी ए डी जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा होगा। अब हमको बोल रहा है कि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। तो दोनों ट्राइंगल में दिख रहा होगा कि ए बी जो है वो कैसी है, कॉमन है, और ये जो एंगल ए है हम इसको एंगल बी के बराबर पहले प्रूव कर चुके हैं। ए डी है, ए डी है वो हम बी सी के बराबर पहले प्रूव कर चुके हैं, किधर, ये हम इधर ये कर चुके हैं, ए डी ए डी बी सी के बराबर हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी से डायगनल ए सी जो है वो डायगनल बी डी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 8.2 का। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।